हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? काइनेमेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम बनना है, उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होती है, उसके बारे में हमने स्टडी किया है बहुत अच्छे से। मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो जिन बच्चों ने लास्ट की क्लासेस नहीं देखी है बेटा, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो क्लास देखो ताकि आज रिलेटिव मोशन की क्लासेस अच्छे से समझ में आए, ठीक है? और जिन बच्चों ने लास्ट की क्लासेस देख चुके हैं बेटा, तो आज हम करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, या फिर रिलेटिव मोशन, हम कह लें कि रिलेटिव मोशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने लास्ट की क्लासेस देख ली है, तो बेटा इंतजार किस बात का है, उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। चलो बेटा, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिलेटिव मोशन पढ़ने के लिए, रिलेटिव मोशन अच्छे से समझने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कैसे हम उसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं बेटा, ठीक है? तो हमें पढ़ना है सबसे पहले रिलेटिव मोशन, ठीक है? रिलेटिव मोशन, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखो। हमें इसमें पढ़ना है, आपको इसका डेफिनेशन समझना है कि इसका डेफिनेशन एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज रिलेटिव मोशन, एंड देन इससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन बेटा रिलेटिव मोशन अच्छे से समझने के लिए आपको जो चीजें जरूरी हैं, जिसको हम कहते हैं प्रियर नॉलेज, ठीक, आपको ये पहले से आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही हो तो ये पहले जाके पढ़ो, उसके बाद ये क्लासेस स्टार्ट करो, ठीक है? तो सबसे पहले हमें आना चाहिए बेटा वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री एंड जियोमेट्री, ठीक। इसके कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से पता होना चाहिए। वेक्टर्स में आप वेक्टर नोटेशन कैसे होगा, कैसे आप प्रेजेंट करते हो वेक्टर को, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल्स में एंगल कितना डिग्री का होगा, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल फाइंड करने का, ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। प्लस जियोमेट्री आपको होना चाहिए ताकि आप डायग्राम अच्छे से बना सको उस चीज का, ठीक है? तो ये तीनों नॉलेज आपको पहले जरूरी है। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा वो है काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट्स, ठीक। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया है, काइनेमेटिक्स का, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को रिलेट करके, वो सारा आपको आना चाहिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है? ये दो प्रियर नॉलेज आपको होनी चाहिए, पहले से नॉलेज होना चाहिए आपको रिलेटिव मोशन को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है? रिलेटिव मोशन का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। इसके दो एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है? एप्लीकेशंस को हम कैसे समझेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है इसका। तो पहला एप्लीकेशन है कि वन बॉडी, ठीक है, एक बॉडी अगर मोशन में हो तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। जैसे समझ लो कि बोट हो, ठीक है, बोट इन रिवर, या फिर ये कह लो कि एरोप्लेन हो, ठीक है, एरोप्लेन एंड एयर, जैसे एक ही बॉडी मूव कर रही है बट उसको हम रिलेट कर पा रहे हैं किसे, रेन से, विंड से, या फिर किसी भी ऐसी चीज से जो कि इसके अगेंस्ट में मूव कर रही है, लेकिन बॉडी एक ही मूव कर रही है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है टू बॉडीज इन मोशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटरसेप्शन हम करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इंटरसेप्शन, ठीक है, या तो फिर हम अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अप्रोच होता है या फिर एक दूसरे के करीब आ रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, जब दो बॉडीज आती है तब ऐसे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा चार्ट है बेटा जिसको आपको ये समझना है, जब भी कोई प्रॉब्लम रिलेटेड आए टू द रिलेटिव मोशन, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि ये नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। चलो तो इससे हम लोग पहले एक काम कर लेते हैं, रिलेटिव मोशन का डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात की आपको ये मैं बता दूं कि इन दिस यूनिवर्स नथिंग इज मतलब एट रेस्ट, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो रेस्ट पर है, हर चीज किसी न किसी से रिलेट करके या तो रेस्ट पर है या तो मोशन में है, ठीक। कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है। जैसे एक चीज समझ करके देखो, आप पृथ्वी पर हो, यू आर ऑन अर्थ, ठीक है। तो हम जो बेटा अर्थ पर किसी भी चीज को रिलेट करते हैं, कोई भी वेलोसिटी हम लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार,
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार हम लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ हम बस लिखते हैं, या फिर वेलोसिटी ऑफ हम ट्रेन लिखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लिखते हैं, ठीक है। ये होता है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हमारे लिए ग्राउंड एट रेस्ट है, जमीन जो है, अर्थ जो है हमारे लिए एट रेस्ट है, इसलिए हम लोग उसको लेते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑन अर्थ, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज दिस, जो भी है वेलोसिटी उसकी बताते हैं, ठीक। अब क्या है, ये वेलोसिटी जो वेलोसिटी ऑफ कार है जो हम यहां पर बताते हैं, जब हम पढ़ रहे थे लास्ट में, वो हम पढ़ रहे थे एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है, बट वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटेड टू द ग्राउंड है, ठीक। अब मान लो बेटा एक पर्सन, आप अर्थ पर हो, एक पर्सन आपको स्पेस स्टेशन से देख रहा है, वो क्या देख रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है, आपके कार की है या बस की या ट्रेन की जो वेलोसिटी है, विद रेस्पेक्ट टू, वो अपने लोकेशन से देख रहा है, ठीक है। तो यहां पर तो अर्थ भी घूम रही है, ठीक, तो अब उसकी वेलोसिटी ये कुछ और देख रहा होगा, ठीक। तो एवरी मोशन इज रिलेटेड विद समथिंग, किसी ऐसी चीज से रिलेट कर रहा है जो कि रेस्ट पर एज्यूम किया जा रहा है, ठीक। तो बात समझ में आई, रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली में क्या होती है। चलो इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं। एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम एक दोस्त हो, ठीक है, और तुम्हारी एक क्लासमेट, हम ले लेते हैं, किसको ले ले, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, ध्यान से समझो। मान लो बेटा यहां पर आप, ठीक है, यहां ना आकर के थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहां पर आप हो, ठीक है, यू, और यहां पर कहीं पर है संगीता, ठीक, तुम्हारी क्लास में संगीता है, जिसके क्लास में है वो कमेंट करके बताओ। तो यहां पर यू है, यहां पर संगीता है, ठीक है, इन दोनों को एक टीचर ने क्या दिया, असाइनमेंट दिया कि तुम लोग एक स्पेसशिप ले लो, ठीक है, स्पेसशिप ले लो और लेकर के डीप यूनिवर्स में चले जाओ, ऐसी जगह पर जहां पर तुम्हें और कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई दे रही हो, सिर्फ तुम किसको देख पा रहे हो, खुद को देख पा रहे हो और संगीता की स्पेसशिप को देख पा रहे हो, ठीक है। अब इसमें इतनी बड़ी बड़ी विंडोज हैं बेटा कि आप एक दूसरे को पूरे अच्छे से देख सकते हो, ठीक। आपकी जो स्पेसशिप है वो इधर को मूव कर रही है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, इधर को मूव कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। संगीता की स्पेसशिप तुम्हारी तरफ मूव कर रही है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, लेकिन चूंकि तुम्हारे पास रिलेट करने के लिए दुनिया में और, मतलब उस स्पेस में और कोई भी चीज नहीं है, तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि संगीता जो है ये तुम्हारी तरफ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। आपने क्या एज्यूम करा है कि संगीता आपके तरफ 15 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रही है। अब संगीता को क्या दिख रहा है कि आप उसकी तरफ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक। कुछ देर बाद आपके टीचर भी स्पेसशिप में आ गए, ठीक, टीचर आए, उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ तुम लोग क्या ऑब्जर्व किया। संगीता ने क्या बोला कि सर मैंने ऑब्जर्व किया कि ये मेरे पास आ रहा था कितने स्पीड से, 15 किलोमीटर की स्पीड से। अब ये बोल रहा है, आप बोल रहे हो कि नहीं सर, मैं नहीं सर, संगीता मेरे पास आ रही थी 15 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। आपने एक दूसरे को देखा, आप अपने आप को रेस्ट पर एज्यूम कर रहे थे और इसको सोच रहे थे कि ये इतनी स्पीड से मेरे पास आ रही, लेकिन टीचर ने क्या देखा कि आप दोनों ने अपनी लोकेशन चेंज की है, आप दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की है। तो ये समझ पा रहा है कि नहीं बेटा, आप भी सही हो, आप भी सही हो कि संगीता आपकी तरफ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, और संगीता भी सही है कि आप उसकी तरफ 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे। डिपेंड क्या करता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो आपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया है। आपने ये चीज कभी फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं और बगल वाली ट्रेन जा रही होती है तो हमें चेक करना होता है, अरे यार हमारी ट्रेन जा रही है कि वो ट्रेन जा रही है, ठीक है, चेक करते हैं। ऐसा क्यों होता है, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, ठीक, हमें लगता है कि वो ट्रेन रुकी हुई है, हमारी ट्रेन जा रही है, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, हम रेस्ट पर हैं, लेकिन हमें लगता है कि ट्रेन वो जा रही है, फिर कभी कभी लगता है कि हमारी ट्रेन रुकी है, वो ट्रेन जा रही है, ठीक है, चल दोनों ही रही होती है। कई बार ऐसा होता है दोनों लगता है कि आप रेस्ट पे आ गए, फिर आपको चेक करना, नहीं दोनों ही ट्रेन सेम वेलोसिटी से चल रही है, ठीक। ये होता है बेटा पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, जब आप चेक करके बताते हो कि वेलोसिटी उसकी क्या हो सकती है, जो अपरेंट वेलोसिटी जो दिख रही है वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से जो कि किसी दूसरे रेफरेंस से रेस्ट पर है, तब इसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो यहां पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, ठीक है। अगर आप क्या देख रहे हो, संगीता की वेलोसिटी
15 किलोमीटर पर आवर है, तो कैसे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ, देखो कैसे लिखोगे, देखो वेलोसिटी ऑफ संगीता विद रेस्पेक्ट टू यू, ध्यान से समझो, वेलोसिटी ऑफ संगीता विद रेस्पेक्ट टू यू इज इक्वल्स टू, ठीक है फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ध्यान रहे आपको, वी एस माइनस वी वाई, ध्यान रहे, ठीक है वी एस माइनस वी वाई। एक चीज मैं समझा दे रहा हूँ आपको, देखो फॉर्मूला जनरली कैसे लिखा जाता है, ये तो सिंपल सा समझा दिया आपको कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आपको लिखना है। सपोज मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है हमको पता नहीं ये किधर को मूव करने वाला है, वो हमें पता तनिक भी नहीं है, तो हमें क्या लिखना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है ये बेस फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, ठीक ठीक है। अब आप कहोगे कि सर यहां पर वी एस जो था वो 10 किलोमीटर था, वी वाई जो था वो 5 किलोमीटर था, तो माइनस होने के बाद तो 5 किलोमीटर पर आवर बचना चाहिए, लेकिन यहां पर 15 किलोमीटर पर आवर क्यों है, यहां पर काम करता है बेटा आपका साइन, ठीक है यहां पर वो सारी स्ट्रेटेजी हम लगाएंगे, यहां पर हम वो सारी स्ट्रेटेजी लगाएंगे बेटा जो हमने काइनेमेटिक्स इक्वेशन में, काइनेमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स में हमने पढ़ा था, ठीक है अगर आपको याद नहीं आ रहा हो काइनेमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, आप फिर से एक बार जाओ किसी की क्लासेस देखो काइनेमेटिक इक्वेशन का, उसमें आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको लगाने, फिर भी मैं शॉर्टकट में आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर बेटा कि काइनेमेटिक कॉन्सेप्ट में क्या है। सबसे पहला काम क्या होता है डायग्राम, ठीक है सबसे पहला काम डायग्राम, ठीक है दूसरा काम क्या करना है साइन, आपको साइन देना है, ठीक है किस तरफ के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो, किस तरफ के डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान लो, डिपेंड करता है आप पे, ठीक है आप पे डिपेंड करते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले आपको साइन देना है, ठीक है उसके बाद जितनी वैल्यूज हैं वैल्यूज को, वैल्यूज विथ प्रॉपर साइन, ठीक है प्रॉपर साइन के साथ वैल्यूज को लिखो, ठीक है प्रॉपर साइन के साथ वैल्यूज को आपको लिखना है, ठीक है उसके बाद आपका बनाना यहां पर आसान हो जाए। तो अब एक चीज देखकर मान लो हम इधर प्लस कर रहे हैं और इधर माइनस कर रहे हैं, ठीक है इधर जो मोशन हो रहा है वो नेगेटिव मोशन है, उधर जो हो रहा है वो पॉजिटिव मोशन है, ठीक है तो जरा बताओ कि यहां पर दिखा लेते हैं हम लोग, वी एस क्या होगा बेटा प्लस वी एस वी वाई, सॉरी वी वाई प्लस वी वाई हो जाएगा क्योंकि वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप किधर मूव कर रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है और संगीता किधर मूव कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है वैल्यू पुट करके देखो, नेगेटिव वैल्यू कितना माइनस 10 माइनस पॉजिटिव वैल्यू 5 कितना हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, बात समझ में आई, ये नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब क्या इधर को मूव कर रहा है, इन्होंने क्या देखा कि ये नेगेटिव की तरफ मतलब अब दूसरे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव मोशन लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो यहां पर बेटा फिजिक्स में माइनस का साइन का मतलब सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है चलो। तो यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा था शुरू शुरू में ही, ध्यान से देखो यहां पर हमने क्या एज्यूम किया, वेलोसिटी ऑफ संगीता विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है वेलोसिटी ऑफ संगीता विथ रेस्पेक्ट टू यू, आपने क्या देखा कि मैं तो रेस्ट पर हूं, मैं रेस्ट पर हूं, संगीता मेरी तरफ कितनी स्पीड से आ रही है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली क्या होती है समझो ध्यान से, रिलेटिव वेलोसिटी किसी बॉडी की हम तब मानते हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अदर रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस एज्यूम्ड एट रेस्ट, ठीक है यहां पर आप क्या हो रेस्ट पर एज्यूम कर लिए गए थे क्योंकि आपने देखा है ना, आपने देखा इसको तो आप मान रहे हो हम रेस्ट पर हैं, ये आ रहा है आपकी तरफ तो दूसरा ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पर एज्यूम कर रहे हैं। संगीता ने भी सेम चीज देखा, लेकिन संगीता ने क्या देखा, देखो स्पीड ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू संगीता, अब संगीता ने क्या देखा आपकी स्पीड, तो आपकी स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू संगीता क्या होगी वी वाई माइनस वी एस इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर,
मैं मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड 15 किलोमीटर पर आवर। अब इसने क्या देखा, आप उधर को जा रहे हैं, ठीक है, तो इसने क्या अज्यूम करा, मैं रेस्ट पर हूं। इसने सर को क्या बताया, सर मैं तो यही थी, मैं कहीं नहीं गई, सर ये 15 किलोमीटर की स्पीड से मेरे तरफ दौड़ करके आ रहा था, आप तो यही बताओगे, ठीक, बात समझ में आ रही। रिलेटिव वेलोसिटी तभी काम करती है जब एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर एज्यूम कर लिया जाए और दूसरे की स्पीड को जो भी इसमें से कंडीशन होगी आप कर लोगे, ठीक है, बात समझ में आई। चलो एक चीज यहां पर हम लोग किसी एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आप देखो हमने अभी अभी क्या पढ़ा बेटा, कि डेफिनेशन पढ़ लिया रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है, एक एग्जांपल से भी हमने समझ लिया कि रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली में होती क्या है, उसका हमने बेस फॉर्मूला जान लिया, यही बेस फॉर्मूला है, एकदम से बैठा लो दिमाग में, इसी फॉर्मूला का हम लोग हर जगह पर इस्तेमाल करेंगे। अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी जान ली कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सबसे पहला काम डायग्राम याद रखना, ठीक है, तो मिटा दूं इसे मैं, चलो इसे मिटा रहा हूं। अब देखो बेटा एक हम लोग स्पेशल केसेस पढ़ लेते थे, सर क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो पहला केस ये हो सकता है, केस वन, केस वन क्या हो सकता है बेटा, कि बॉडी ए, मान लो दो बॉडीज हैं, ठीक है, दो बॉडीज हैं ए एंड बी, बी बॉडीज है, ठीक है, तो केस वन क्या हो सकता है बेटा, अच्छा इसकी वेलोसिटी वी ए है, इसकी वेलोसिटी वी बी है, अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको, ठीक है, तो केस वन क्या हो सकता है बेटा, कि बॉडी ए, ए जो है ये भी इधर मूव कर रहा है, और बॉडी बी जो है, बी विथ वेलोसिटी वी बी, ये भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो दोनों बॉडी का ही मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वी ए बी, वी ए बी क्या दिखेगा आपको, वी ए माइनस बी बी, ठीक है, अगर वी बी ए हमें फाइंड करना हो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर फाइंड करना हो, तो वी बी माइनस वी ए करेंगे, ठीक है। अच्छा यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना बेटा, देखो ये शॉर्टकट कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी, अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हम मान रहे हैं, तो जो पहले लिखा हुआ है वो पहले होगा, जो बाद में लिखा हुआ है ये बाद में आएगा माइनस में, ठीक है, ये बात याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है, कुछ भी चेंज अलग से मत करना, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो सकते हो आगे जाकर के बनाने में, तो कुछ भी चेंज मत करो, नॉर्मल से ऐसे ही रखो, ठीक है। चलो कि एग्जांपल लेकर के देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, कि एक व्हीकल है, एक कार ए है, ठीक है, कार ए मूविंग विथ कितना 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कार बी मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, दे आर मूविंग ऑन अ पैरेलल लाइन इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो आपको वी ए बी एंड वी बी ए दोनों फाइंड करना है, ठीक है, तो वी ए बी फॉर्मूला पुट करते हैं बेटा, वी ए बी हमको फाइंड करना है, वी ए कितना है, वी ए है हमारा 50 किलोमीटर और वी बी कितना है 30 किलोमीटर, ठीक है, वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी कितना आया, वी ए के जगह 50 माइनस 30 बोले तो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक। अब देखो वी ए बी इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर तो आ गया, जब सेम डायरेक्शन में है, ध्यान रहे जब सेम डायरेक्शन में है, वी बी ए क्या आया बेटा, वी बी ए क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, वी बी ए तो वी बी माइनस वी ए, पहले वाला पहले बाद में वाला बाद में, ये लाइन याद रखनी है, ठीक, वी बी ए माइनस वी ए कितना, वी बी 30, क्योंकि दोनों देखो बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ही रहेंगे, हम साइन चेंज नहीं करने वाले हैं, तो क्या वी ए कितना 50, कितना आ गया बेटा माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ये असर्शन रीजन में आता है, ठीक है, क्या है कि जब ए बेटा यहां पर है, ठीक है, मान लो कभी एक ऐसा समय था कि दोनों ट्रेनें साथ साथ चल रही थी, दोनों कार साथ साथ चल रही थी, आप एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है, तब तक पीछे से पुलिस की गाड़ी हायरन क्या बोलते हैं हॉर्न बजाते हुए आई, सायरन बजाते हुए आई, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ये कर लिया अपना 50 किलोमीटर पर आवर, आप 30 किलोमीटर पर आवर से ही चलने लगे, नॉर्मल था, इन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, ठीक, तो ए क्या बोल रहा है,
ए अगर बी को देखेगा, ए अगर बी को देखेगा तो वो क्या अज्यूम करेगा, स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे ना, ए बी को देख रहा है तो वो क्या देखेगा, स्पीड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो क्या बोलेगा, अरे भाई बी तुम पीछे क्यों जा रहे हो, तुम पीछे क्यों जा रहे हो, -20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब अपोजिट डायरेक्शन में मौसम दिख रहा है उसको, इसको क्या दिख रहा है भाई तुम पीछे क्यों जा रहे हो, ये बोल रहा है कि भट पागल हम तो सेम स्पीड से जा रहे हैं, तुम आगे जा रहे हो, स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी ऑब्जर्वर क्या देखेगा ए को कि 20 किलोमीटर स्पीड से वो आगे जा रहा है, ठीक है, तो ये बोलेगा पागल तुम आगे जा रहे हो हम पीछे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, जो अपरेंट वेलोसिटी है वो बेटा 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या मिला, वी ए बी इक्वल्स टू माइनस वी बी ए, बात समझ में आई, कुछ चीजें याद रखनी होंगी आपको, ठीक है, चलो ये हो गया नॉर्मल कॉन्सेप्ट, सिंपल क्वेश्चन, इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन बनाएंगे, इससे मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, चलो अब देखो केस टू देख लेते हैं, सेम ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी सब कुछ सेम, हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, चलो देखो केस टू क्या कहता है बेटा, केस टू क्या कह रहा है, देखो केस टू कह रहा है कि यहां पर बॉडी ए थी, ये इधर जा रही है वी ए से, ठीक है, यहां पर कोई बॉडी है बी, बॉडी बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है विद वी बी से, ठीक है, तो ध्यान देखो बेटा, इधर हमने लिया पॉजिटिव, इधर हमने लिया नेगेटिव, मैंने शुरू में ही बताया था कि जब हम साइन यूज करेंगे उसके बाद थ्रू आउट द सॉल्यूशन हम साइन चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, सारी पहले डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है, उसके बाद हमने साइन ले लिया, तीसरा काम क्या है, वैल्यूज विद साइन लिखना है, ठीक है, तो वी ए क्या है बेटा, पॉजिटिव वी ए, वी बी क्या है, नेगेटिव वी बी, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव वी बी, अब ध्यान से देखो वी ए बी कितना होगा, वी ए बी कितना होगा, कुछ नहीं करना, चुपचाप से फॉर्मूला लिखो वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी लिख दो, अब वैल्यूज रखते हैं, वी ए की वैल्यू प्लस वी ए माइनस कितना, माइनस वी बी, कितना आ गया बेटा, वी ए प्लस वी बी, वी ए बी कितना आ गया, वी ए प्लस वी बी, ठीक, ध्यान रखना इसका, चलो अब वी ए वी बी ए देख लेते हैं, ठीक है, वी बी ए कितना होगा, कुछ नहीं करना, पहले लिख दो जो दिया हुआ है, पहले वाला पहले, बाद में वाला बाद में, माइनस साइन ऐसे ही हमारा रहेगा, ठीक है, अब वैल्यूज लिख लेते हैं, वी बी की वैल्यू माइनस वी बी इक्वल्स टू माइनस वी ए प्लस वी बी, सेम वही चीज जो मैंने बताया था, वी ए बी इक्वल्स टू माइनस वी बी ए, ध्यान रहेगा, ठीक है, अभी देखो यहां पर क्या, इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में, अपरेंट वेलोसिटी, ये लगेगा ऐसा, ऐसा लगेगा वो, चलो देखते हैं एक एग्जांपल से, यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं बेटा, कार ए 50 किलोमीटर पर आवर, कार बी कितना, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है, ये पैरेलल लाइंस में चल रही हैं, पैरेलल लाइंस में मूव कर रही हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस में मूव कर रही हैं, अपोजिट टू इच अदर, ठीक है, अपोजिट टू इच अदर, यहां पर क्या मिलेगा आपको, देखो सबसे पहला काम डायग्राम, ठीक, कुछ नहीं फॉर्मूला में पुट करने हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला में ही पुट कर देते हैं, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ठीक है, तो वी ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, वी ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया, देखो कितना वैल्यू आ रहा है, 50 + 30 इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ए पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा, अरे यार कितनी स्पीड से गया, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक है, कभी देखना आप ट्रेन में भी, ये मैक्सिमम चीजें आप ट्रेन में या बसेस में एक्सपीरियंस करते हो, ट्रेन में ज्यादा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि लंबा निकलता है, तो ट्रेन में आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो लगता है अरे यार कितनी धीरे चल रही है बगल वाली ट्रेन, या तो हमारी ट्रेन धीरे चल रही है तो उसकी ट्रेन धीरे चल रही है, या तो हमारी रेस्ट में उसकी बहुत धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में निकलो तो बहुत तेजी से निकलता, हम सन करके पार हो जाते हैं, ठीक, तो यहां पर क्या है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा बेटा तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, इसमें क्या है कि ऑब्जर्वर को रेस्ट पर मान लिया गया है और बॉडी को मोशन में मान लिया गया है, ठीक, तो यहां पर
वेलोसिटी ऑफ ए ये ऑब्जेक्ट है एंड बी आपका यहां पर ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, अगर ऑब्जर्वर ए हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं बस -80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ए क्या देख रहा है कि तुम तो उल्टा डायरेक्शन में भाग रहे हो भाई, तुम पीछे की तरफ जा रहे हो, हम तुमसे इधर जा, तुम उधर जा रहे हो, ठीक है। दोनों एक दूसरे को सही देख रहे हैं, गलत नहीं देख रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को सही देख रहे हैं, दोनों की वैल्यू भी सही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों तेजी से जा रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई, चलो मिटा दिया जाए, ठीक है। चलो अब देखो ये ए और बी तो बॉडी तो है, ठीक है, ये हमने क्या केस देखा कि जब दोनों पैरेलल थे, ठीक है, दोनों पैरेलल थे। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि दोनों पैरेलल ना हो, दोनों किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर मूव कर रहा है, सपोज जैसे मान लो यहां पर है ए मूव कर रहा है वी ए से किधर इधर, ठीक है, एंड बी मूव कर रहा है कुछ वी बी से, बी मूव कर रहा है इधर को, ठीक है, वी ए इधर वी बी उधर, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा कि इनके बीच का एंगल कितना हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर रूल, एकदम कोई कंजूसी नहीं, वेक्टर रूल वी बी, ठीक, वी बी कोई टेंशन नहीं, ठीक, एंगल इनके बीच का बेटा थीटा, ठीक, वी ए वी बी आपको मिल चुका है। अब देखो दोनों की टेल सेम जगह पर है, दोनों की टेल सेम जगह पर है, तो यहां पर हम लगा लेंगे पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपका कुछ रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ये कुछ रिजल्टेंट आएगा और ये रिजल्टेंट का एंगल है अल्फा, ठीक है, ये क्या है बेटा वी ए बी कुछ भी या वी बी है, आप जो जिसको पॉजिटिव है मान लो, ठीक है, तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव हम रहने देते हैं, वी ए बी क्या होगा, देखो वी ए बी इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, रूट ओवर कुछ भी नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, बस वही वैल्यू है, दैट इज वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। अच्छा यहां पर एक चीज चेंज हो जाएगा, वी ए वी बी कॉस थीटा, ये ध्यान रहे, यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहां पर हो जाएगा माइनस, क्यों, देखो ध्यान से, हमने क्या लिया था फॉर्मूला, हमारे पास क्या निकल करके आया था, That VAB equals to VA minus BB, ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को, ये लिखा हुआ क्या है, VA plus minus BB, ठीक है, मतलब inverse of B हमने लिया है यहाँ पर value, ठीक है, B का जो direction था उसका inverse हमने लिया है, तो यहाँ पर भी minus हो जाएगा, अगर negative vector हम लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पर minus, हमें याद होगा अगर vector आपने पढ़ा होगा तो, formula कुछ यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, और tan alpha क्या आएगा बेटा, tan अल्फा क्या आएगा, कोई बताओ tan अल्फा क्या आएगा, अगर यहाँ पर ऐसे हम देखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वी बी साइन थीटा, ये होगा वी बी कॉस थीटा, ठीक है, इनवर्स वैल्यू हमको लेकर के चलना है तो क्या लेना है, वी बी साइन थीटा बाई वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, याद रखना है ये वैल्यू, याद रखना है, रिजल्टेंट ऐसा आएगा, अगर गलती से एंगल दे दिया और दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में कर दिया तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है, रखनी पड़ेंगी, याद रहेगा, ठीक है बेटा। अगर इनमें से मान लो कि रिलेटिव वेलोसिटी दिया हो और कोई एक वेलोसिटी दिया हो दूसरी वेलोसिटी फाइंड, तो कुछ भी नहीं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ठीक है, वी ए बी अगर दिया हुआ है कुछ, ठीक है, वी ए दिया हुआ है कुछ, आपको वी बी फाइंड करना है, VB अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे, VA इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक है, किसी को भी इधर उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका आपकी इच्छा, ठीक है, या तो इसको आप क्या करो, इसको इधर कर दो, क्या आएगा, VA माइनस VAB, ठीक आएगा, तो ये आएगा, इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है। अगर VA फाइंड करना हो, VA फाइंड करना हो तो क्या करोगे, VAB माइनस प्लस वी बी, ठीक है,
VAB पर, अब जैसे भी जो भी कंडीशंस दिया हो बेटा, जो फॉर्मूला दिया हो और जो रिलेटिव वेलोसिटी दिया हो, ये आपको ध्यान देना है कि रिलेटिव वेलोसिटी किसका दिया हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलो एक प्रॉब्लम बना करके देखते हैं, मिटा दो इसे। चलो बेटा क्वेश्चन बना करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। इनके बीच की दूरी है 300 मीटर, ध्यान से समझो, इनके बीच की दूरी है 300 मीटर, ठीक है। बॉडी ए जैसे ही बी की तरफ मूव करना शुरू करेगी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। जैसे ही बॉडी ए मूव करना शुरू करी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बी की तरफ, बी क्या कर दिया कि मूव करना शुरू कर दिया नॉर्मल टू दिस ए वेलोसिटी, ए के नॉर्मल मूव करना शुरू कर दिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। बी के रेस्पेक्ट में, सॉरी ए के, हाँ बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो हमें अज्यूम करना होगा कि बी रेश पर है, ठीक है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल सा समझो, वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, ठीक, हमें ये फाइंड कर लेना है, ठीक है बेटा। लेकिन यहां पर लोचा क्या है, ये तब पॉसिबल है जब दोनों सेम लाइन ऑफ मोशन में हो या फिर अपोजिट में, जस्ट पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल हो या लीनियर हो या आप जो कुछ भी कह सकते हो, ये इक्वल हो, जो भी लाइन पर है, ठीक है, लीनियरली हो, पैरेलल हो, तब हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा आपको वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए आई जे नोटेशन का फॉर्म यूज करना है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करना है। तो इस डायरेक्शन पर हम क्या मान सकते हैं, इस एक्सिस पर हम क्या मान सकते हैं आई, ठीक है, इस डायरेक्शन पर हम क्या मान सकते हैं जे, ठीक है बेटा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देखो ध्यान से, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ इस लाइन पर होगा, ठीक है। तो v रिजल्टेंट को हम वी आर मान लेते हैं, वी आर अगर ये वेक्टर है बेटा, तो क्या होगा वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर, हम ये मान लेंगे, ठीक है। तो वी ए क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, वी ए है 25 कितना आई प्लस कितना हो गया बेटा, कितना है 20 जे, ठीक है। अब डिपेंड करता है किस पे ले रहे हो, अगर जो यहाँ पर हम वैल्यू ले रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पर माइनस वी बी, इसका मतलब क्या है, वी ए प्लस माइनस वी बी, ठीक है। इसका अगर हम माइनस वी बी लेने जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, मोशन इधर पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लिख दे रहे हैं। आप चाहो माइनस में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो बेटा वी आर का, अगर वी आर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना हो तो क्या करना होगा, रूट ओवर वी ए स्क्वायर, बोले तो 25 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस प्लस बी, माइनस होगा, माइनस 2 VA VB cos थीटा। अच्छा बेटा यहाँ पर इन दोनों के बीच, वी ए और वी बी के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये वैल्यू हो जाएगी टोटल 0, बच गया कितना, बिल्कुल इतना, और ये वैल्यू कितनी आ रही है देखो, 25 स्क्वायर 625 प्लस कितना 400 रूट ओवर, ये आएगा बेटा 32 point something कुछ आएगा किलोमीटर पर आवर, इसका रिजल्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है, 32 point something कुछ आएगा। आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके निकालो कितनी वैल्यू आ रही है, डिपेंड, सिर्फ मैंने ये बताने के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है कि जब वेक्टर से रिलेटेड आ जाए, अलग एंगल पर मूव करने लगे, तब आपको वेक्टर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वेक्टर की क्लासेस नहीं देखी है बेटा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका, इधर आप हमारे चैनल पर जाकर के वेक्टर का ढूंढो, वहां पर आपको मिल जाएगा वेक्टर से रिलेटेड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ ये सारी चीजें। देखो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वेक्टर और यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये दो चैप्टर अगर आप अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो ना, तो फिर आगे बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। चलो इसे मिटा रहा हूं मैं, चलो बेटा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक, समझने वाली बात है, यहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ये है
कि ग्राउंड सरफेस से एक बॉल को हमने, जो कि बॉल ए है, ठीक है, इसको थ्रो किया गया विथ u वेलोसिटी। ध्यान से समझना, इसको थ्रो किया गया विथ u वेलोसिटी, ठीक है। एट हाइट h, एट सेम मोमेंट, उसी समय पर हाइट h से, हाइट h से एक बॉल को रिलीज किया गया, जिसका बॉल है फ्रॉम रेस्ट, इसको रिलीज किया गया, ठीक है। तो यहां पर पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वी ए माइनस वी बी। ध्यान से समझो, वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना है दिया हुआ है, वी बी कितना है जीरो, कितना आ गया वी ए बी कितना होगा, ये एट एनी टाइम t इक्वल्स टू t पर, किसी भी समय पर, पूरे मोशन में किसी भी समय पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b कितना होगा, u ही होगा। अगर ऊपर को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और नीचे को अगर हम नेगेटिव मान रहे हैं बेटा, तो v b a कितना होगा, माइनस u। याद रहेगा, हमेशा याद रखना है ये चीज, किसी भी समय पर। अगर बोले एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकंड पर कितना होगा, वही होगा, कुछ नहीं चेंज कर सकते, वही होगा, ठीक है, वैल्यू जीरो। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, समझो बात को। ये ऊपर मोशन कर रहा है माइनस जी, नीचे को एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। इधर बॉडी नीचे को आ रही है, जी नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, अगर दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन लिया जाए, ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन लिया जाए तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। दोनों में अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन लेंगे तो जीरो। अच्छा, ये इससे एक और चीज याद आ गया मुझे, ये भी बताना है आपको। जैसे आप वी ए बी निकाल रहे हो, वी ए माइनस वी बी, उसी तरह बेटा एक्सेलरेशन ऑफ ए बी भी यही होगा, एक्सेलरेशन ए माइनस एक्सेलरेशन बी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इस केस में हमने कैसे जीरो कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है और यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम इसी तरह तब इस्तेमाल करेंगे, या फिर जो कुछ भी हमको इसको करना हो तब करेंगे, जब रिटार्डेशन एक ही डायरेक्शन में हो दोनों का, या फिर दोनों का एक ही डायरेक्शन में, दोनों का ही रिटार्डेशन हो रहा हो या दोनों का ही एक्सेलरेशन हो रहा हो, तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन दूसरी तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में हो रहा है। अगर रिटार्डेशन सेम डायरेक्शन में ले लिया जाए तो दोनों की वैल्यू माइनस हो जाएगी, वो जीरो हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक्जैक्टली उसी तरह हमको इस्तेमाल करना। चलो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। मिटा दूं क्वेश्चन, कुछ ऐसा है बेटा, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दो ट्रेनें, ये ट्रेन ए है, इसकी स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर एक ट्रैक पर ये जा रही थी। गलती से दूसरी ट्रेन भी उसी ट्रैक पर आ चुकी थी बी, और इसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, ठीक। ध्यान से समझो बात, एट डिस्टेंस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने ब्रेक लगाना शुरू किया, ठीक है। अब दोनों की ही इंजनों का जो मैक्सिमम रिटार्डेशन है वो है a इक्वल्स टू 0.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये रिटार्डेशन स्पीड है इसकी, मतलब रिटार्डेशन है दोनों ही ट्रेनों का, ठीक है। इक्वल इंजन सेम टाइप के ही होते हैं तो दोनों का रिटार्डेशन सेम आ रहा है। अब आपसे फिजिक्स वालों ने सवाल पूछा है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी या नहीं टकराएंगी, ठीक है। देखो, समझ में नहीं आएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है कि नहीं निकालनी है, क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो स्ट्रेटजी है बेटा, सबसे पहला काम डायग्राम हमने बना लिया है क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलते हैं साइन कन्वेंशन पे, ठीक है। साइन कन्वेंशन पे चलते हैं, किधर का साइन पॉजिटिव मान ले, इधर का साइन पॉजिटिव मान लेते हैं, जो इधर को होगा, इधर को होगा जो नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। जो इधर होगा नेगेटिव, उधर होगा पॉजिटिव, ठीक। अब चलो वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। ए के बारे में, ए के बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखो वी ए क्या है, वी के है प्लस 54 किलोमीटर पर आवर
इक्वल्स टू 54 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू कितना 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक समझो बात को। ए ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है 0.15 मीटर पर सेकेंड। देखो रिटार्डेशन हो रहा है, दोनों का ही रिटार्डेशन हो रहा है, ध्यान रहे। ठीक है चलो ये निकल करके हमारे पास आ गया। ठीक है अब बी के बारे में देखते हैं बेटा। बी के बारे में ध्यान से देखो, VB क्या कह रहा है 72 किलोमीटर है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव 72 किलोमीटर पर आवर विच विल बी इक्वल्स टू 72 × −72 × 5/18 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू आई थिंक 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है यही होगा ना 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ बी बेटा रिटार्डेशन तो हो रहा है लेकिन हमने क्यों पॉजिटिव लिया, क्योंकि दोनों का ही रिटार्डेशन हो रहा है, हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है कोई चेंज नहीं करा तो आगे देखो क्या हो रहा है। a ऑफ b एक्सेलरेशन ऑफ b कितना हो गया देखो −0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। अब देखो वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, लगभग सारी वैल्यू ही मिल चुकी हैं। कैसे देखो आपको निकालना है कि ये टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। ठीक है तो सबसे पहला काम क्या करो, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के एक को रेस्ट पर मान लो। ठीक है अब ये क्या बोलेगा, बी क्या बोलेगा, सर मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो रेस्ट पर था, ये आकर के मारा था, कितनी स्पीड से मारा था चलो देखते हैं। अगर लगेगा तो, नहीं लगेगा तो बात की बात है, लगेगा तो कितनी स्पीड से आकर के लगा देखते हैं। चलो देखते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया बेटा, कितना 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 15 नहीं ऐसे नहीं, पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है वी ए माइनस वी बी, यहाँ पर माइनस हो चुका ना, अभी देखो क्या आ गया 15 − −20 इक्वल्स टू कितना 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है मिल गया। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, आपके बोला सर कितना ब्रेक मार रहा था, ये तो बहुत ब्रेक मार रहा था लेकिन फिर भी नहीं रुका, कैसे कितना मार रहा था, a of a minus a of b कितना आ गया बेटा 0.15 −−0.15 which will be equals to 0.3 meter per second square। वो बोलेगा सर 0.3 से डबल मार रहा सर, जितना हमारे से डबल मार रहा था ये, फिर भी आके लड़ गया कि नहीं लड़ा। ठीक है चलो देखते हैं क्या हुआ इन दोनों का। ठीक है ध्यान से समझो, ठीक इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या है, हम मान लेते हैं ये कहीं बीच में आकर के कहीं पे छूने वाली एक दूसरे को, तो अभी क्या है बेटा ये रेस्ट पर है। ठीक है इसको हमने क्या माना है, रेस्ट पर है, अब ये मूव कर रहा है। ठीक है तो हमें देखना है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, रिटार्डेशन हो रहा है तो रुकेगा कितना दूर जाकर के रुकेगा, ये हमको देखना है। फाइनल वेलोसिटी जीरो, देखो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर −2as। ठीक तो s मैक्स हम मान ले रहे हैं बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी जीरो, बचा क्या u स्क्वायर बाई 2a। अब ये u क्या है बेटा, uab एंड aab आपको निकालना है। ठीक क्योंकि एक ही बॉडी अपीयर्स टू मूव, एक ही ऑब्जेक्ट अपीयरिंग टू मूव, वही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है, तो यहां पर वैल्यू पुट करो कितना आ गया 35 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2 × 0.3। ठीक है ये अप्रोक्स जो आपका आएगा बेटा ये 2600 ही मान करके चल रहा हूँ, ये अप्रोक्स कुछ आएगा 2600 के आसपास कुछ वैल्यूज आएंगे। ठीक है मतलब सिंपल सा क्या है कि 2000 मीटर ये पार कर जाएगा। ठीक है विच इज ग्रेटर देन 2 किलोमीटर। ठीक है 2 किलोमीटर की वैल्यू ये पार कर जाएंगे, जिस स्पीड से ये चल रहे थे और जितना ब्रेक ये मार रहे थे उस हिसाब से ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पार कर जाएंगे, मतलब जाके ये टक्कर मार देंगे उसको। ठीक तो ये क्या कहेंगे, सर ये आकर के हमको मारा था, हमारा दोष नहीं है। ठीक है लेकिन दोष दोनों का, ये भी वही कहेगा सर वो आकर के हमको मारा था, हम तो रुके हुए थे, क्योंकि इसको भी वही अपीयर होगा।
ठीक है, इतनी स्पीड से आ रही है, अगर वो बैठा हुआ है, वो जमीन नहीं देख रहा है तब, ठीक है, तो ट्रेनें क्या होंगी बेटा, टक्कर हो जाएंगी। ठीक, समझ में आया? चलो इसे मिटा दे रहा हूं। अब क्या बेटा, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको अलग से बनाए हुए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, मोस्ट टेंटेटिव क्वेश्चंस भी हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से थ्योरी क्लास देख लो अच्छे से पहले, उसके बाद वहां से जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी नॉर्मली हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे थे बेटा, ये मोशन एनालिसिस से था। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि रेन ड्रॉप और विंड से कैसे रिलेट करके क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, विंड हो रही है, बारिश हो रही है, आदमी दौड़ रहा है उसमें, तो ये कैसे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि रिवर वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ देख लेते हैं। देखो रेन ड्रॉप से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, रेन ड्रॉप बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, रेन ड्रॉप बेस्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, एक ही तो देखेंगे, ज्यादा नहीं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिवर वाले पे मूव करेंगे जल्दी से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है बेटा कि क्वेश्चन कैसा है, देखो ध्यान से समझो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब एक आदमी खड़ा था, ठीक है, एक आदमी खड़ा है, तो इस पर जो रेन हो रही है, ठीक है, रेन जो हो रही है विथ वर्टिकल, ये कितनी डिग्री पर हो रही है, 30 डिग्री पर। उस इंसान को ऐसे छाता करके पकड़ के खड़ा रहना पड़ रहा है 30 डिग्री पर। ठीक है, तो ये हो गई आपका वी आर, समझो बात को, वी आर। अब अचानक से इस बुद्धि जीव के पास दिमाग आया कि मैं छाता फेंक के भागूंगा। तो इसने छाता फेंक करके भागना शुरू किया, कितने स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भागना शुरू किया। तो उसने क्या देखा कि अरे यार, बरसात तो सीधा मेरे टकले पर आकर के गिर रही है, टकला था, टकले पे आके गिर रही है, तो बरसात कैसे हो रही है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, तो आपको पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उधर भागना शुरू किया, ये वी आर है, ये वी एम है, और वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है, क्योंकि मैन ऑब्जर्वर है। ध्यान देना है यहाँ पर बेटा, कभी भी आप लोग जब नोटेशन दे रहे हो तो ध्यान देना है कि क्या चीज बोलना है उसको। ठीक है, तो ये वी आर एम है, ये वी एम है, वी आर है। एक्चुअली वी आर क्या है, मैंने तुमको शुरू में ही बताया था कि जिसको हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी मान रहे हैं वी आर, दिस वेलोसिटी इज विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये वेलोसिटी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, ध्यान से समझो, हमारे पास क्या क्या गिवन है बेटा, वी एम ये 30 डिग्री दिया हुआ है, हम जरा से इसको अंदर कर लें ट्राइंगल का, 30 डिग्री। ठीक है, समझो बात को, वी आर जी इक्वल्स टू वी आर। ठीक है, वी आर कितना होगा, कितना होगा देख करके बताओ, वी एम कॉसेक थीटा होगा, वैल्यू पुट करो, 10 कॉसेक 30 की वैल्यू 2, कितना 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बरसात का पानी जमीन पर गिर रहा है। ठीक है, बरसात का पानी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने स्पीड से आ रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से। अब पूछा है विद रेस्पेक्ट टू मैन बताइए, विद रेस्पेक्ट टू मैन बताइए। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, देखो ध्यान से, इसको निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे निकालोगे देखो, बताओ तुम लोग क्या होगा, वी एम sec थीटा, 10 इंटू sec 30 डिग्री की वैल्यू तुम्हें याद होगा तो √3, नहीं याद है तो चीजें याद रखो, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी बनाना होगा, वहां पर याद करके फिर निकालने का टाइम नहीं होगा बेटा। ठीक है, कितना आ गया, 10 √3 वैल्यू निकाल लेना, इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बरसात इंसान के ऊपर गिर रही है।
ठीक, रेन ड्रॉप में कुछ नहीं है बेटा, बस आपको डायग्राम, पर्टिकुलर डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अगर ये डायग्राम बना लेते हो तो कुछ नहीं, ठीक है। फिजिक्स में अगर आप डायग्राम बना लिए और सही डायग्राम बना लिए बेटा, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। चलो इसे मिटाता हूं और हम लोग थोड़ा सा रिवर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो रिवर बेस्ड में क्या होता है, कुछ चीजें आपको कॉन्सेप्चुअल याद रखनी होंगी, ठीक है, और कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। रिवर बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, रिवर बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी बेटा, कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। जैसे क्या, देखो ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या है, ऐसा हम रिवर बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, समझोगे बात को, ठीक है, रिवर बना दे रहे हैं। दो पॉइंट हम ले रहे हैं, आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी पॉइंट ए, पॉइंट बी हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसको ए से बी तक जाना है, ठीक है, ए से बी तक जाना है, ठीक है। तो ये क्या है, वी बी, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पर खड़ा इंसान क्या देख रहा है कि सीधा जा रही है, बोट सीधा जा रही है, ग्राउंड पर खड़ा इंसान ये देख रहा है। लेकिन जो बोट चला रहा है वो जानता है कि वो किधर को चला रहा है, वो कहीं इधर को चला रहा है। दिस इज थीटा एंड दिस इज वी बी विथ रिस्पेक्ट टू आर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम उधर है उसका, ठीक है। तो ये अपस्ट्रीम में थीटा एंगल इतना चला रहा है तो उधर जाना है, ये नॉर्मल डायग्राम, ठीक है, नॉर्मल डायग्राम है। हम एज्यूम कर ले रहे हैं बेटा कि इसकी जो डिस्टेंस है रिवर के, विड्थ जो है वो है डी, बात को समझो, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो कुछ चीजें। सबसे पहली चीज कि जो नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास, हम नॉर्मल फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, पहले क्या, v किसका ले लें, vbr equals to vbr, vbr equals to vb minus vr, ठीक। तो मतलब vb equals to vbr plus vr, ये कुछ चीजें याद रखनी है, मैं अभी इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझो बात को ध्यान से। अब देखो यहां पर क्या है बेटा, मान लो हम एक्स वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा हम इसको तोड़ लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी, रुक जाओ, वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, ठीक है, समझो बात को। velocity of b in x direction क्या होगा, velocity of br in x direction plus velocity of river in x direction, ठीक है, समझो। velocity of br in x direction, br का velocity x direction कितना होगा, इधर कर दे बेटा, vbr sin theta, theta यहाँ है, ये sin theta होगा, ये कितना होगा y direction में, कितना होगा, vbr cos theta इन y direction, बात समझो, ठीक है। तो कितना होगा, माइनस वी बी आर साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कितना वी आर, ठीक है, ये कितना हो गया बेटा, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, नहीं नहीं एक्स नहीं, ये क्या है, वी बी एक्स, एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कुछ इतनी हो रही है, ठीक है। अभी मैं तुमको मजे की चीज दिखाता हूं, देखो यहां पर ये हो गया आपको वी बी एक्स, अब वी बी वाई देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, देखो वी बी आर इन वाई डायरेक्शन क्या है, वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर इन वाई डायरेक्शन, स्पीड ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ रिवर इन वाई डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, वो है जीरो, ठीक है। यहां पर देखो वी बी वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, वी बी आर कॉस थीटा, ये दो वैल्यूज आपको निकल के आ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या है, कुछ कंडीशंस हमको मिलेंगी,
ठीक है। जैसे चलो एक चीज करते हैं, इधर वाला मैं मिटा नहीं, इसे रहने दो, यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगर हमको टाइम निकालना हो, ठीक है, टाइम निकालना हो कि कितनी देर में इस पार से उस पार बॉडी जा रही है, तो t इक्वल्स टू क्या निकलेगा बेटा, t इक्वल्स टू फ्रॉम a टू b अगर हमको जाना है तो t इक्वल्स टू क्या होगा, d बाई v dy, b बाई v dy वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो भी जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी b y, ठीक। और वेलोसिटी dy कितनी है बेटा, b बाई कितना वैल्यू आ रहा है, इधर में देखो कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, dy 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 dy, ये कितना v dr cos थीटा, ठीक है। देखो ध्यान से यहां पर एक बात समझो, यहां पर एक बात समझो, ठीक है, ये बात याद भी रखनी है, समझनी भी है, और कई सारे क्वेश्चन में ये बात आती है बेटा, इनडायरेक्टली आती है लेकिन आपको याद रखना होगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमको टी मिनिमम चाहिए, ठीक है, अगर हमको चाहिए कि हम मिनिमम समय में उधर पार कर जाए, ठीक है, तो मिनिमम समय कब लगेगा बेटा, मिनिमम समय तब लगेगा जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी टी मिनिमम होगा। मतलब कि यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है बेटा, वन, मतलब थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो VBR है, VBR है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है बेटा, वो किधर को होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, या परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर होना चाहिए, तब वो मिनिमम टाइम लेगा, याद रहेगी ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, ऊपर का ये थोड़ा सा मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये वैल्यू रहने देते हैं, ये वैल्यू रहने देते हैं, इसे मिटा दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, अब ये पूछता है यहाँ पर पूछ देता है कि हमारा चलना तो इधर हुआ था, ठीक है, चलना तो इधर हुआ था, ये तो हमको दिख रहा है, ठीक है, चलना तो इधर हुआ था, तो ये कितना डिस्टेंस ड्रिफ्ट किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस ड्रिफ्ट किया है, एक्स डायरेक्शन में उसका मूवमेंट कितना हुआ है, ठीक है, इस एक्स को कहते हैं बेटा ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट या फिर ड्रिफ्टिंग इसको कहते हैं, ठीक है, बात को समझो, इसको ड्रिफ्ट या फिर ड्रिफ्टिंग कहते हैं। आगे बढ़ा जाए, अगर देखो यहां पर क्या वैल्यू हमारे पास है, एक्स है, ठीक है, x अगर हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, x, ठीक है, तो x डायरेक्शन में x equals to क्या हमको निकालना होगा, vbx into t, ठीक है, और vbx कितना आया है बेटा, आपको पता होगा vbx कितना था, vr minus vbr sin theta, t की वैल्यू कितनी आई थी, t की वैल्यू हमने निकाला था, इधर में देखो d by vbr cos theta, ठीक है, dr cos theta। अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए या ये पूछते कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, अब इसे मिटा दे रहा हूं, इसकी आवश्यकता अब नहीं है बेटा, अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ दे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा ड्रिफ्ट विल बी मिनिमम, ठीक है, तो मिनिमम कितना हो सकता है बेटा, x इक्वल्स टू 0 पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये मिनिमम हो सकता है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट ए से चला और बी पर पहुंच गया, ठीक है, परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन में पहुंच गया। अगर ऐसा भी दिया हो, आपको फ्रेजेस का बहुत ध्यान देना है कि क्या पूछा है, अगर बोल रहा है कि ए से शुरू हुआ परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो बॉडी पहुंच गई या बोट वहां पहुंच गई, तो आपको ध्यान देना है कि एक्स जीरो हो जाएगा वहां पर, ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है, ड्रिफ्ट अगर जीरो हो जाता है बेटा तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी बाई वी बी आर कॉस थीटा मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा मस्ट बी जीरो इंप्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर बाई वी बी आर, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा दैट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर बाई वी बी आर, ठीक है, यहाँ पर यहीं से आपको कई सारे कॉन्सेप्ट निकल करके आएंगे। देखो मैं समझाता हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है, अब यहां से नया कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा, नया कॉन्सेप्ट उभर करके आएगा, क्या, देखो
यहां पर क्या आया हमारे पास था, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर बाई वी बी, ठीक है। वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। वी बी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। किस डायरेक्शन में वो स्टीयर कर रहा है, ऐसा दिया होगा कि द बोट मैन स्टीयरिंग द बोट, ठीक है, तो वो क्या होगा, वी बी आर होगा, इन द डायरेक्शन बोटमैन स्टीयरिंग द बोट, बोटमैन जिस डायरेक्शन में बोट स्टीयर कर रहा है, चला रहा है, वो वी बी आर है। जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, वो वी बी होगा, वेलोसिटी ऑफ बी होगा, बोट होगा। अब देखो यहां पर क्या बेटा, यहां पर ये कह रहा है कि अगर बोटमैन एट एंगल विथ वर्टिकल साइन इनवर्स वी आर बाई वी बी आर पर वो अगर स्टीयर करे, तो वो डायरेक्टली ए से बी पर परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में वो पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो बेटा, क्या पॉसिबल है कि साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये बात, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर बाई वी बी आर, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कांट बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी मस्ट बी लेस देन वन, लेस देन इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू भी नहीं होगा क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ, चलो लेस देन इक्वल्स टू वन हम कर ले रहे हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू वन होता है, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं बेटा अगर साइन थीटा की वैल्यू जीरो वन हो जाती है, साइन थीटा की वैल्यू वन हो जाती है, तो क्या हो गया, वी आर इक्वल्स टू वी बी आर होगा, वी बी आर होगा, वी आर इक्वल्स टू वी बी आर होगा। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू अगर वन हो जाए, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। मतलब अब तुम सोच के देखो कि अगर ये वी बी आर इधर हो जाए, वी बी आर इधर को हो जाए, ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, क्या ये कभी उधर पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कांट बी इक्वल्स टू वन, ऑलवेज लेस देन वन, ये बात याद रखना, ऐसा सम रीजन में आता है, ठीक है। साइन थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन वन, अगर साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू तो वन से ज्यादा हो नहीं सकती है, तो यहां पर क्या है बेटा, वी आर की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल्स टू वी बी आर, ठीक है, तो वी आर की वैल्यू ऑलवेज लेस देन वी बी आर होगा, ठीक है। वी बी आर रिवर की वैल्यू हमेशा बोट के वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर से कम ही होगी, बात समझ में आई, ठीक है बेटा। चलो आपको मैं बता दूं, ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट जितने पॉसिबल थे हमने बोट से रिलेटेड हमने बता दिए आपको, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आज मैं नहीं यहाँ पर बनवा रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को एक अलग वीडियो में बनाई हुई है, मैं पहले बता चुका हूँ कि वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिनके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है बेटा, सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, बनाओ बैठ करके, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पॉज कर दो, सॉल्व करो, नहीं समझ में आए तब आगे बढ़ो उसको, ठीक है। ऐसे बनाओगे तो क्या होगा, आपका हेल्प ज्यादा होगा, ठीक। और भी आपको आगे क्लासेस की वीडियो चाहिए होंगी तो उसके लिए आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगे, मिस नहीं होगा कोई टॉपिक, ठीक है। अच्छा लग रहा है बेटा तो आप ये क्लासेस किसी अपने दोस्त को, फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, जिसको भी अच्छा लगे उसको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। हमारा बस एक ही मकसद है कि पढ़ते रहो एंड लेट्स मेक इट हैपन।